मोतीर्न किशने परतो सतोगा मिथो विपदे तुगिहो व्रतानं आदान्त गोहिर विशताम तमेशम पुनः पुनः चोरिभितो चार्वनानं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताए, वोट के द्वारा आचार्य निर्णय होता नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी ने बताए, वोट के द्वारा आचार्यों का निर्णय होता नहीं, आचार्य पद निर्णय होता नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी अक्सर अक्षजो और अथक अधक्षजो इस दो विषय पर चर्चा करते थे। अक्षजो और अथक्षजो विषय पर आम आदमी का कोई वास्तविक जो विचार है टिकता नहीं। अधक्षज वस्तु कौन है और अक्षज वस्तु कौन है? श्रील प्रभुपाद कहते थे, दुनिया का सारे आदमी अक्षज वस्तु अर्थात दुनियादारी का जो वस्तु है, दुनियादारी का जो विषय है, इसी में लगे हुए हैं। कोई अधक्षज वस्तु का विषय में कोई चिंता कर नहीं सकता, क्योंकि इसका भावना इन लोगों का हृदय में टिकता नहीं, अनुभव में आता नहीं। अधक्षज वस्तु कौन है? श्रील जीव गोस्वामी पद कहते थे, अधक्षित अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रियज ज्ञानम जेनो इति अधक्षजम। जिसके द्वारा ये प्राकृत जगत का भावना चिंता बुद्धि विचार सारे निरस्त होता है, जिस वस्तु तक पहुंच नहीं पाते हैं भावना वाचा जो सुनिवर्तन्ते अप्राप्य मनोसा सहो, इसका बारे में गोपाल जी कहते थे, एक बड़ा आचार्य अपना शरीर छोड़ने का पहले बहुत चिंतन कर रहे हैं कि किसको आचार्य बनाया जाए, बहुत चिंतन कर रहे हैं। और शिष्य लोग सब गुरु जी का पास प्रार्थना किया, गुरु जी आप अगर शरीर छोड़ने के पहले, आपका तबीयत भी बहुत नाजुक है अभी, अब जाने के पहले अगर आचार्य निर्णय नहीं कर के जाए तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। गुरु जी बताएं, बहुत चिंतन करके किसी को तो देखता नहीं हूँ, किसी तो नज़र में नहीं आता, किसको आचार्य बना के जाऊँ? शिष्य लोग बताए तो क्या किया जाए गुरु जी, तब तो आपका ये जो सोसाइटी है, आपका जो संगठन है, तो ये तो चूर चूर हो जाएगा, ये तो ध्वंस हो जाएगा। महाराज जी चिल्ला के बुलाए, श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा के द्वारा मेरा ये संस्था स्थापित हुआ है, अगर ठाकुर जी का इच्छा से ध्वंस भी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन मैं अयोग्य व्यक्ति को आचार्य बना के जाऊँगी, मेरा इच्छा नहीं है, जो होना है हो जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी बहुत बार ये सब श्लोकों का ऊपर चर्चा करते थे। तस्मात् गुरु प्रबोधेत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। शब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात है संपूर्ण। सद्गुरु सद वैष्णव का सामने आने का मतलब है, सद्गुरु सद वैष्णव का सामने आने का मतलब है वास्तव सत्व का सन्मुखीन होना।
अपराकृत जगत का जो गुरु वैष्णव है, सदगुरु वैष्णव, इनके सामने पहुंचने के हिम्मत करे, तो ये सोच लो तुम्हारा अंदर में इतना हिम्मत पैदा हुआ कि तुम अपराकृत जो सत्य वस्तु है, परम सत्य वस्तु, इसका सन्मुख सन्मुख आने का प्रयत्न में हो, कोशिश कर रहे हो, कितना हिम्मत है। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने बताए शब्द परिचय निष्णातम में दो विषय में बहुत जीव गोस्वामी पाद चर्चा किए। बोले शब्द ब्रह्म जो है, ये शब्द ब्रह्म भगवान का ही स्वरूप है, और पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म इसमें विशेष भेद नहीं है। शब्द ब्रह्म भगवान का शब्द स्वरूप, और हमने बहुत बार ये चर्चा की, जब तक शिष्य गुरुजी का अपराकृत शब्द स्वरूप का वाणी स्वरूप का अनुभव ना करे, दिखा लेना तो दूर की बात है, उसका साथ गुरु का दर्शन नहीं हुआ, भेटी नहीं हुआ। जब तक गुरु जी का वाणी का स्वरूप, शब्द स्वरूप का अनुभव ना करे शिष्य, तब तक दिखा लेना तो दूर की बात है, गुरु जी का साथ उसका दर्शन ही हुआ नहीं। ये सब विषय में प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे, चर्चा करते थे। जीव गोस्वामी का बात हम बाद में आ रहा है। एक दफे एक व्यक्ति विमला प्रसाद सरस्वती प्रभुपाद के सामने कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर आपका पिताजी, उनके सामने बहुत बार हम जाते थे, हमको बुलाते थे और हमको आदेश करते थे आप थोड़ा गीता पाठ करके सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ, बहुत हरि कथा हम उनको सुनाए। बहुत बार हम गए उनके सामने, पोपा जी ने मुस्कुरा के कहे, भक्ति विनोद ठाकुर का साथ आपका कभी दर्शन ही हुआ नहीं। अरे हम कहते हैं कि आपका पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत बार गए हम, एक बार नहीं, और हरि कथा भी सुनाए। बोले हमको बोला कीर्तन करो, गीता पाठ करो, हम सुनाए। पोपा जी ने बोला, फिर भी बोला, ये आपका साथ श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी का कोई दर्शन ही हुआ नहीं। जब ऐसा बोला तीन बार, तो वो बहुत गुस्से में आकर स्थान तय करके चले, गाली देते देते चले गए। पोपा जी ने मुस्कुरा के कहे, ये लोग इतना ही अज्ञान में गिरा हुआ है, शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर को देखने का तो दूर की बात है, इनके जो अपराकृत छाया है ये भी दर्शन नहीं किया। महापुरुष का दर्शन, महापुरुष का चरण का सहारा लेना, ये कितना गंभीर बात है, कोई समझता नहीं। शब्द परिचय निष्णातम इस विषय पर श्रील जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में बताएं, अगर किसी गुरु जी का पास हम गए, उनके चरण आश्रय किए, और मेरा कोई संशय उत्पत्ति हो, मेरा अंदर में संशय पैदा हुई, गुरु जी का सामने पेश कर दिया, लेकिन गुरु जी ने उत्तर नहीं दे सका, जीव गोस्वामी पाद कह रहे, अगर ऐसा हुआ, आप जिस गुरु जी का चरण में आश्रय लिए हैं, वो शब्द ब्रह्मों का बारे में आप कोई क्वेश्चन किया, आपका संशय जो कुछ है गुरु जी का सामने पेश किए, अगर गुरु जी उत्तर नहीं दे सके, आपका अंदर में संदेह हो, आपका मन डाउट्स आ जाएगा। बोले तो क्या बात है, हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, बड़ा मुश्किल। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि इस समय में ये भक्तों जो है डिलेमा, उभय संकट में फंस जाए, एक तो है गुरु जी को त्याग करना संभव नहीं, दूसरा है कि हम प्रश्न किए उत्तर नहीं दे सके, हम कहाँ जाए। इस समय शिष्य का बड़ा भयंकर विपत्ति आ रहा है, बड़ा मुश्किल, जिस बारे में गीता में भगवान जी बताएं, संशय आत्मा विनाशति,
गुरु वैष्णव का बारे में, धाम का बारे में, नाम का बारे में, परिकर वैशिष्ट्य के बारे में, भगवान का लीला का बारे में, किसी भी अप्राकृत विषय का, किसी विषय में हमारा अंदर में थोड़ा बहुत संशय संदेह पैदा हो जाए और मेरा मरने का समय में ये संदेह संशय का कोई समाधान नहीं हो पाया, तो ये समझ लो आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा जगत में, क्योंकि संशय आत्मा विनाशवती, नश्यति नहीं विनश, बहुत मुश्किल हो जाता। श्रील जीव गोस्वामी बात जो बताए, गुरु जी का चरण में आश्रय लो, बाहरी दृष्टि में गुरु जी शास्त्रों का अध्ययन ज़्यादा कुछ नहीं किया, बहुत सेवा किया भगवान गुरु वैष्णव के, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, जो सेवा के द्वारा इनके अंदर में वास्तव सत्य का जितना सारे संसार समस्या है सारे समाधान इनके हृदय में स्वयं प्रकटित हो गया सेवा के द्वारा। समस्त शास्त्रों का जितना निचोड़ है सब इसका हृदय में प्रकट हो गया। श्रील प्रभुपाद जी को अपमान करने के लिए बहुत सारे सहजिया जितना सारे है बदमाश, प्रभुपाद जी को अपमान करने के लिए बहुत बार प्रश्न किए, आपका गुरुजी कहाँ रहते हैं, आपका गुरुजी का तारीफ कहाँ है, कितना तक शास्त्र ध्यान किया क्या जानता है। प्रभुपाद जी मुस्कुरा के कहते थे, साक्षात विश्वभानु नंदिनी राधा रानी का चरण में उनके, हमारा गुरुजी का नित्य निवास है राधा कुंड में, और वर्तमान समय में वो कुलिया में लीला कर रहे हैं, और तमाम सारे शास्त्रों का बाहरी दृष्टि में वो शास्त्र अध्ययन नहीं किया, लेकिन दुनिया का जितना सारे सत्शास्त्र है सारे शास्त्रों का अनुभव जो है सब हमारा गुरु जी का अंदर में प्रकटित है, कोई भी प्रश्न लेके आप जाओ गौरकिशोर बाबा समाधान कर देंगे। शब्दे परिचन स्नातम, कोई भी बात क्वेश्चन लेके जाओ समाधान गौरकिशोर बाबा जी महाराज कर देंगे। बाबा जी कहते हैं जे मेरा गुरुजी बाहरी दृष्टि में ज़्यादातर शिक्षा नहीं किया, लेकिन ये जगत में या ब्रह्मांड में जितना सारे समस्या है समस्त समस्या का समाधान हमारा गुरुजी कर सकता है, इतना पहुँचा हुआ महापुरुष है, और सेवा के द्वारा सिद्धि, हमारा शिक्षा गुरु श्री शील सागर गोस्वामी महाराज सेवा का द्वारा सिद्धि लाभ की। पुराने घटना, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनके सेवा बिहारी को बोले, बिहारी तू भागवत पाठ कर। बिहारी बोले, गुरुजी हम कैसे पाठ करें, आप जानते हो मैं पढ़ाई लिखाई नहीं जानता हूँ, भागवत पाठ कर, तू भागवत लेकर बैठ मेरे सामने। बिहारी डर के हमारे भागवत लेके बैठा, बोले गुरु जी हम कैसे पाठ कर, हम तो पढ़ाई नहीं जानता, तू पाठ कर। ग्रंथों को खोला, गुरु जी के कृपा से पाठ करना शुरू कर दिया। एक उदाहरण नहीं है, शंकराचार्य का जीवन में है पद्मपाद को शिक्षा देने के लेने के लिए, जो सेवक है वो लिखा पढ़ा नहीं जानता, पहाड़ी चट्टी में नदी में पहाड़ी का जो पहाड़ी चट्टी में जो झरना है पानी का, वहाँ कपड़ा गुरु जी का धोके आ रहा है, और गुरु जी को शिष्य लोग बोलते आप पाठ शुरू करो गुरु जी, बोले उसको आने दो, वो क्या करे, वो लिखा पढ़ा नहीं जानता मूर्ख है। गुरु जी चुपचाप हो गया, क्योंकि गुरुर सेवक है मानो जी आमार, और गुरुजी उस समय एक चमत्कार दिखाए,
वो क्या बोले, सेवक कपड़ा धो के आ रहा है, आते आते वेदांत सूत्र का जितना सूत्र है वो मुखस्थ बोलते बोलते आ रहा है। अब जब मंदिर में घुसा देखता है उसका मुख से पानी का मापिक निकल रहा है स्रोत वेदांतों का। बाकी जो लोग चर्चा किया उसका बारे में हैरान हो गया है, कैसे संभव, जिसका ऊपर गुरु प्रसन्न है उसका क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ। श्रील रामानुजाचार्य जी अपना जिंदगी में दिखाए, अपना प्रकट दशा में रामानुजाचार्य गुरु जी को एक शिष्य, बहुत प्यारा शिष्य है, पर गुरु जी आपका जो विग्रह है हमको बना दो। गुरु जी बोले हम तो प्रकट हैं, तो विग्रह लेके तू क्या करे। बोले ना आपको विग्रह चाहिए, हमको कभी आप मिले ना मिले, कहाँ जाते हो प्रचार, हमको विग्रह चाहिए आपका, क्योंकि नाम विग्रह स्वरूप तीने भेद नाई थी चिदानंद रूप, इनका अंदर में 100% विश्वास है। गुरु जी को बहुत विनय किया, गुरु जी ठीक है बना देंगे जा, अपना एक विग्रह बना के शिष्य का हाथ में दे दिया, जा ले जा, यही हम है। और वो विग्रह को लेकर अपना सेवा पूजा शुरू कर दिया। गुरुजी जब नहीं रहते थे बहुत दूर इधर उधर भागे, या तो कि गुरुजी जब प्रकट हो गया तब भी वो शिष्य ये विग्रह का सामने क्वेश्चन करते थे, प्रश्न करते थे हाथ जोड़ करके, गुरुजी ये बताओ, ये ऐसा समस्या आ गया, संशय आ गया, क्या करे। वही विग्रह रामानुजाचार्य का विग्रह ये समाधान करते थे, बाघ बोलते थे। शिष्य का हृदय में गुरुजी का वाणी स्वरूप का जब अनुभव ना हो जाए, सिर्फ गुरुजी हमको कृपा किया, हमको कृपा किया, कहाँ तक कृपा किया, कृपा जो किया उसका क्या प्रमाण है। गौड़ी और वैष्णव समाज का ये एक विधान है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आचार आचरण में जो प्रतिष्ठित नहीं है वो कभी भी प्रचारक नहीं है। चाहे करोड़ों आदमी इकट्ठा करके हरि कथा बोले, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर दे, फिर भी ही इज नॉट ए प्रीचर, प्रचारक नहीं है। जब तक चैतन्य महाप्रभु का आचार आदर्श आचरण में सुप्रतिष्ठित ना हो जाए शिक्षा में, तब तक ये प्रचार में जाए उस समाज के लिए अकल्याण हो सकते, अपने लिए तो अकल्याण है ही है और समाज के लिए भी अकल्याण है, ये प्रचार हो नहीं सकता। जीव गोस्वामी पाद जी ने बताएं शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का बारे में, बहुत सारे शिष्य लोग सदगुरु का सामने प्रश्न करते हैं, जीव गोस्वामी पाद इसका समाधान किए। जब तुम्हारा हृदय में इच्छा है किसी गुरु जी का पास, बैठने का टाइम नहीं है, या तो गुरुजी जगत से चला गया, अब या तो गुरुजी है समय नहीं है, किसका पास जाए समाधान करने के लिए। जीव गोस्वामी पाद जी ने बताएं जे गुरु का अनुज्ञा लेकर आज्ञा लेकर गुरुवक गया तत्सेवन अविरोधेन च अन्येषाम् अपि वैष्णवानां सेवनम श्रेय। जीव गोस्वामी पाद उत्तर दिया संदर्भ में, गुरु जी का आज्ञा ले लो क्योंकि जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा जो दीक्षा गुरु है जो तुमको संबंध ज्ञान दिया है, इस दीक्षा गुरु का सेवा का विघ्न हो जाए इसमें सुविधा नहीं होगा। इसे जीव गोस्वामी पाद जी ने बताए गुरुवाग गया तत्सेवन अविरोधेन च, गुरुजी का सेवा का विघ्न ना हो जाए, गुरुजी को त्याग करके मत जाओ, ऐसा कोई शिक्षा गुरु ले लो गुरुजी का परमिशन लेके, या तो अंतर्जामी गुरुदेव, गुरुदेव नहीं है तो प्रार्थना करो फोटो का सामने, विग्रह का सामने, समाधि का सामने। अब लक्षण क्या है, जो हमारा दीक्षा गुरु को बहुत प्यार करते थे, शिक्षा गुरु का योग्यता क्या है,
वो बहुत शास्त्र मुखस्थ है ऐसा नहीं, वो तो है ही है, लेकिन वो हमारा दीक्षा गुरु का चरण में बहुत की बहुत प्यार रखता है। दीक्षा गुरु मेरा जो दीक्षा गुरु उसको बहुत प्यार करते हैं, और हमारा गुरु परंपरा में जो सिद्धांत है विचार है उसी मार्ग दिखाने वाले हैं। जो गुरु जी का दिखा हुआ या तो परम गुरु या तो परम गुरु परमेष्टि गुरु इनके दिखाए हुए जो रास्ता पर नहीं चल रहा है ये समाज का आकलन कर देगा। वायु पुराण में जो श्लोक है समय हो तो काल चर्चा में आएगा, आचीनोति जो शास्त्रार्थम ये सब श्लोक काल चर्चा आएगा। गुरु जी का सेवा करना और गुरु जी का सामने से सेवा लेना गुरु जी का पास से सेवा लेना दोनों एक वस्तु नहीं है। गुरु जी को सेवा करना और गुरु जी को सामने रख के गुरु जी का रिपुटेशन गुरु जी का जो सुनाम है उसको व्यवहार करना अपना प्रतिष्ठा के लिए दोनों एक नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, प्रभुपाद जी ने बार बार बताते थे ध्यान से सुनना। आप लोग हरिभजन में आए हो इस बात ध्यान देकर सुनना, हरिभजन में आए हो हरिभजन के द्वारा स्वाभाविक रूप आपका सामने कामिनी कांचन आते रहेगा। जिंदगी में एक बार छोटा सा मेंटली अगर कामिनी कांचन का संग हो जाए, बाहरी दृष्टि में तुम आचार्य भूमिका में हो या तो बड़ा वैष्णव के भूमिका में हो कोई काम का नहीं, सत्यानाश हो जाएगा। महाप्रभु जी ने जितना शिक्षा दिए हैं काला कृष्णदास को या तो छोटा हरिदास को, सब हमारा सामने ये सब आदर्श है, शिक्षा है। सबसे बड़ा चीज़ है आचार्यों का जो ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो आचार आदर्श हो इसको अगर प्रोटेक्शन नहीं दे पाए वो आचार्यों नहीं है। आचार्यों का मेन ड्यूटी है, द वाइटल ड्यूटी ऑफ एन आचार्य इज टू गिव फुल प्रोटेक्शन टू सिद्धांत वाणी। सिद्धांत वाणी का पूरा संरक्षण कर सके इतना ताकत है, आचार आचार आदर्शों में प्रतिष्ठित है। और दुनिया का किसी का परवाह नहीं करते, कोई मेरा चर्चा करे, कोई विषयी लोग हमको पैसा नहीं देगा चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि भागवत में गाली देके बोला सुखदेव गोस्वामी ये लोग क्यों विषयी लोगों का पीछे भागता है, क्यों चरण चाट रहे हैं कुत्ता का मापी, कस्माद भजंती कवयो धनो दुर्मदान्धन, धनो दुर्मदान्धन धन मद में अंधा है, ये लोगों का चरण में जाकर क्यों गिर गिरा रहे हैं? क्या ठाकुर जी का कोई पावर नहीं है? ठाकुर जी का कोई पावर नहीं है क्या? हमारा गुरुवर्गों का एक है इतिहास देखो, किसी का पास एक फूटा कोरी भी नहीं था, लेकिन सारे दुनिया का प्रचार प्रसार सब कुछ हो गया। इस विषय में ज़्यादा चर्चा करने का टाइम भी नहीं दिए हो, गुरु जी का आचार आदर्श का परिपूर्ण रूप अपना जीवन में धारणा ग्रहण ना कर सके वो चल नहीं सकेगा, संभव नहीं है। सम्यक रूप में गुरु जी का आचार आदर्शों का किसका अंदर में आया है ये वोटिंग के द्वारा निर्णय नहीं होता, एक शुद्ध वैष्णव देख के पता चलता। दुनिया का जितना सारे पॉपुलेशन है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि पूरा दुनिया एक तरफ जाए कोई परवाह नहीं है, मैं ये सदगुरु का चरण का छत्र छाया पे खड़ा होकर इसी सत परम सत्व का बारे में कीर्तन करते रहूं, पूरा दुनिया मेरा खिलाफ चले जाए मेरा कोई परवाह नहीं है। कुछ सिद्धांतों का चर्चा करेंगे काल अद्वैत गुसाई और हमारा गुरुवर्गों का, दुनिया इकट्ठा हो गया फिर भी वो सिद्धांतों से हटा नहीं। आजकल का जमाना ऐसा हो गया थोड़ा बहुत उल्टा देखा तो बोले महाराज ठीक है चलो इसको मान लो,
लेकिन गौड़ीय वैष्णव का ऐसा विचार नहीं है। जो भी है, आज रात हो गया, अब चर्चा करने का टाइम भी नहीं है। काल ठाकुर जी का इच्छा हुआ तो हो सके शिक्षा गुरु जी का चरण में दंडवत करके इनके पूर्व कृपा प्राप्त करने का प्रयास लेके क्षुद्र चर्चा का इधर ही विश्राम दे। वांछा कल्पतरुष के पास सिंधु व्यवजपति तान पावन भ्यो वैष्णव भ्यो नमो। हरे कृष्ण। वर्तमान सभापति को